हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि हम किसी भी फ़ोटो से बैकग्राउंड रिमूव कैसे करें। जैसे कि दोस्तों, हमारे पास ये फ़ोटो है और हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, तो यही मैं आज आपको बताऊंगा कि हमें बैकग्राउंड कैसे रिमूव करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। तो दोस्तों, इस फोटो के बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए हमें एक वेबसाइट का यूज़ करना पड़ेगा जिस पर मैं आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों, उस वेबसाइट का नाम है रिमूव बैकग्राउंड, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने इस पर रिमूव किया, टाइप किया तो ये रिमूव आ गया। रिमूव डॉट पी जी के नाम से है, फुल फॉर्म इसका यही है, रिमूव बैकग्राउंड। जैसे कि आप देख पा रहे हो, रिमूव रिमूव इमेज बैकग्राउंड। दोस्तों, इस वेबसाइट पे आके हमें सिंपली अपनी इमेज को अपलोड करना है जिसका भी हम बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं। जैसे कि हमारी इमेज ये है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम इमेज सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली PNG फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर हमें इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं एडिट बटन पर जाकर। जैसे ही हम एडिट बटन क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये कई सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे कि हमें इसका बैकग्राउंड जो है प्लेन रखना है या कुछ और भी टेक्सचर टाइप में रखना है। जैसे कि हमें अगर इन पर प्लेन बैकग्राउंड रखना है तो हमें कलर पर क्लिक करना पड़ेगा। कलर पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी बैकग्राउंड इस पर अप्लाई करना है वो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, ब्लू बैकग्राउंड है, वाइट चाहिए आपको तो नॉर्मल वाइट है, रेड है, मेजेंटा है, तो आपको जो भी बैकग्राउंड आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस केस में ब्लू बैकग्राउंड ठीक है, मैं इसको ब्लू बैकग्राउंड रखूँगा और सिंपली ब्लू बैकग्राउंड रखने के बाद हमें इस पर डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो हमारी इमेज डाउनलोड हो जाएगी। इमेज डाउनलोड करने के बाद सिंपली आप देख पाओगे कि हमारे इमेज का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो गया है। अब इसके बाद हम इस इमेज के जो भी फ़ोटो बनाना चाहते हैं, जैसे कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना है या पोस्ट कार्ड बनाना है, तो सिंपली आप अपने फ़ोटो को फोटोशॉप में ले जाके सेट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना है तो मैं इसको सिंपली इतना ही क्रॉप कर लूँगा। क्रॉप करने के बाद मैंने एक्शन बना के रखा है F2 की से। अगर आपने नहीं देखा है मेरा एक्शन वाला वीडियो तो प्लीज़ आप जाके देखिए, उसमें सिर्फ एक ही की प्रेस करना होता है और हमारे पासपोर्ट साइज फ़ोटो बन के रेडी हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने F2 बटन जस्ट प्रेस ही किया है। अगर ऐसा कोई ऑप्शन आता है आपके सामने तो उसको सिंपली कंटिन्यू कर देना है, उसके बाद आपके सामने ये पासपोर्ट साइज फ़ोटो बन जाएगी।